नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कल्ट क्लासिकल फिल्म आनंद जो कि 1971 में रिलीज की गई थी और उसे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था तथा एनसीसीपी ने प्रोड्यूस किया था। साथ ही दोस्तों उसमें दो लीजेंडरी एक्टर्स राजेश खन्ना तथा अमिताभ बच्चन का बेहद ही लाजवाब अभिनय हमें देखने को मिलता है। दोस्तों उस फिल्म का अब एक रीमेक बनाया जा रहा है और दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे एनसीसीपी के सुपुत्र समीर राज सिप्पी तथा विक्रम खाकर। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी लेकिन दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में अभी कोई फाइनलाइज निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं दोस्तों फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा इसके बारे में भी अभी कोई बातचीत फाइनल नहीं हुई है। दोस्तों इसी संबंध में लेटेस्ट अपडेट यह है कि जब एनसीसीपी से इंटरव्यू लिया गया और उनसे यह पूछा गया कि आपके हिसाब से आनंद फिल्म में कास्टिंग क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट कौन करना चाहिए, किस प्रकार से फिल्म बनाई जानी चाहिए, इन सब के सवालों के जवाब एनसीसीपी ने दिए हैं। दोस्तों उन्होंने ये कहा कि जब किसी भी फिल्म का रीमेक बनाया जाता है तो उससे बेहतर की उम्मीद दर्शक करते हैं कि जो रीमेक है वो आपको ओरिजिनल फिल्म से भी बेहतर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कास्टिंग के बारे में कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है और जो भी निर्णय लेंगे वो उनके सुपुत्र यानी कि समीर राज सिप्पी ही लेंगे। वे इस मामले में कोई दखल नहीं करेंगे लेकिन वे गाइड जरूर करेंगे कि फिल्म को कैसी बनानी चाहिए और किस तरह से फिल्म का स्क्रीन प्ले होना चाहिए, इसके बारे में वे जरूर गाइड करेंगे। साथ दोस्तों जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो शाहरुख खान की फिल्म आई थी कल हो ना हो तो वो क्या आनंद से प्रेरित थी या क्या आनंद की रीमेक थी, तो इसके जवाब में एनसीसीपी ने कहा कि अगर वो आनंद की रीमेक होती तो मैं शाहरुख खान को कोर्ट में घसीट लेता क्योंकि मुझसे बिना पूछे कोई आनंद की रीमेक कैसे बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उसमें शाहरुख खान एक कैंसर पेशेंट थे तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो आनंद की रीमेक हो गई। ऐसे तो बहुत सी फिल्मों में कैंसर पेशेंट दिखाए जाते हैं और उनकी जीवन पर बेस्ड फिल्म की स्टोरी होती है तो इससे वो आनंद की रीमेक नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों साथ ही एनसीसीपी ने यह भी कहा कि उन्हें आयुष्मान खुराना पसंद है, उन्हें आयुष्मान खुराना सबसे अच्छे एक्टर्स लगते हैं, जो आजकल के जितने भी एक्टर हैं उनमें आयुष्मान खुराना की एक्टिंग उन्हें सबसे अधिक पसंद आती है। तो क्या दोस्तों एनसीसीपी ये इशारा कर रहे हैं कि लीजेंडरी राजेश खन्ना के रोल के लिए शायद आयुष्मान खुराना को कास्टिंग की जाए? दोस्तों उनका इशारा तो इसी तरफ लगता है लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी जोड़ दिया कि जो फाइनल कास्टिंग है वो उनके सुपुत्र जो समीर राज सिप्पी है वो ही करेंगे। और दोस्तों मैं आपको भी बता दूं कि हिंदी फिल्मों का जो कल्ट क्लासिकल हिंदी फिल्मों का रीमेक बनाना बड़ा ही रिस्की माना जाता है कि आज तक जितने भी रीमेक बनाए हैं उनमें कुछ फिल्मों को छोड़ करके फ्लॉप बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई है। दोस्तों एक तो अग्निपथ का रीमेक बनाया गया था अमिताभ बच्चन की क्लासिकल फिल्म अग्निपथ जिसका रीमेक बनाया गया था ऋतिक रोशन को लेकर के, वो सुपरहिट रहा था। इसके अलावा दोस्तों अमोल पालेकर की फिल्म आई थी, अमोल पालेकर तथा उत्पल दत्त की फिल्म थी गोलमाल, उसका एक रीमेक बनाया गया था बोल बच्चन जिसमें अभिषेक बच्चन तथा अजय देवगन थे और रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया था, वो भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित रही थी। लेकिन दोस्तों ज्यादातर रीमेक है जो बनाए जाते हैं वो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं होती है। तो दोस्तों जो आनंद का रीमेक बनाया जा रहा है उनके मेकर्स के लिए, उनके डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो किस प्रकार से रीमेक को बनाए कि फिल्म काफी अच्छी बने और दर्शकों को पसंद आए। साथ ही दोस्तों लीजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना के किरदार को जीवंत करने वाला एक्टर भी कास्ट करना होगा। साथ ही दोस्तों अमिताभ बच्चन ने जिस प्रकार से आनंद फिल्म में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता था तो उसी तरह की कास्टिंग भी आपको इस फिल्म में करनी होगी, तभी ये फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।